नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल नवी क्लासेस में। एक और नई नोटिफिकेशन आई है जो कि है आरआरबी एनटीपीसी की रिक्रूटमेंट को लेकर के, जो मोस्ट अवेटेड थी और बहुत सारी मात्रा में जो है वैकेंसीज आने वाली हैं। शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है रेलवे की तरफ से। अभी इसके लिए फुल नोटिफिकेशन आना बाकी है, तो बता देते हैं कि शॉर्ट नोटिफिकेशन में क्या आया है। ये जो वैकेंसीज़ हैं आपकी आती हैं नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए। इसमें ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट दोनों टाइप की पोस्ट्स हैं, और एप्लीकेशन जो इनवाइटेड हैं वो आपके लिए, वो आपके ऑनलाइन मोड से हैं। ये 14th of September से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, और जो क्लोजिंग डेट रहेगी एप्लीकेशन सबमिट करवाने के लिए वो रहेगी 13th of October। सो जो पोस्ट रहेंगी पहले ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए, वो होंगी आपकी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, स्टेशन मास्टर, गुड ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट एंड सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। सो 8113 जो है इन टोटल सभी आरआरबीज़ की पोस्ट को मिला करके देखिए तो ये रहेंगी ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए। और इसमें इनिशियल जो पे बैंड रहेगा वो भी आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 5th और 6th जो है पे लेवल रहेगा इन ग्रेजुएट पोस्ट के लिए। और एज जो मांगी गई है वो आपकी 1st of January 2025 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। कट ऑफ डेट वो रहेगी 18 to 36 ईयर्स जो है अनरिजर्व कैटेगरीज़ के लिए है। अपर एज लिमिट में 3 साल का रिलैक्सेशन इन एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब लिमिट एज अ वन टाइम मेजर ड्यू टू कोविड। सो कोविड की वजह से जो है 3 ईयर्स का जो है रिलैक्सेशन जो वन टाइम दिया गया, क्योंकि उसके बाद जो है पोस्ट्स नहीं आई थी। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की बात करें तो इसमें भी जो है ओपनिंग डेट इसके लिए रहेगी एप्लीकेशन की, वो रहेगी 21st of September, और क्लोजिंग डेट जो आपकी रहेगी वो रहेगी 20th of October। सो इसमें आपकी लेवल 2 और 3 की पोस्ट्स रहेंगी। 18 to 33 जो है एज लिमिट है इनके लिए। इसमें भी कोविड वाली प्रॉब्लम की वजह से जो है 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। कट ऑफ डेट यहाँ पर भी आपकी 1st of January 2025 ही रहेगी। और जो टोटल वैकेंसीज रहेंगी आपके अंडर ग्रेजुएट की वो रहेंगी 3445 वैकेंसीज। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप रेलवे की तैयारी शुरू करके और एक अच्छी जॉब ग्रैब कर सकते हैं। सो इसमें जनरल जो है मेडिकल फिटनेस कंडीशंस यहाँ पर दी हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बाद में वैसे डिटेल आ जाएगी आपके पास, लेकिन जो है आपसे बेसिकली वही मांगा जाएगा, आपने किसी भी स्ट्रीम में किया हो, स्पेसिफाइड पोस्ट को छोड़ कर के किसी भी स्ट्रीम में चलेगी आपकी, आपने ग्रेजुएशन की है, प्लस टू की है। आपका इन सभी पोस्ट के लिए आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और बात की जाए अगर एप्लीकेशन चार्जेस की, तो सभी कैंडिडेट्स के लिए एक्सेप्ट मेंशन एट सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 2 पे मतलब रिजर्व्ड कैटेगरीज को छोड़ के सबको जो है 500 पे करने हैं, जिसमें से पहले भी रेलवे ऐसे ही करता आया है कि बैंक डिडक्शन चार्जेस डिडक्ट करके 400 आपके रिफंड कर दिए जाएंगे अगर आप टेस्ट अटेंड करते हो तो, मतलब कि CBT में अगर अपियर होते हो तो। और जो कैंडिडेट्स रिजर्व्ड कैटेगरीज से SC ST एक्स सर्विस मैन, PWD, फीमेल कैटेगरी, ट्रांसजेंडर या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, उनको जो है 250 रुपीज़ इसमें पे करने हैं। तो प्रोसेस आपका सारा ऑनलाइन ही रहेगा, और रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको जो है सारी डिटेल्स इनके बारे में मिल जाएंगी। जो जो आरआरबीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबका यहाँ पर दिया है, सबकी वेबसाइट्स आपको गिवन है, तो आप वहाँ पर इनके लिंक जो है एक्टिवेट कर दिए जाएंगे गिवन डेट्स से। तो जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप टेलीग्राम पर भी हमसे कनेक्टेड रहिएगा। अगर यहाँ पर भी आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और एक चीज़ और जो मेंशन करनी ज़रूरी थी कि एक कैंडिडेट जो है केवल एक ही आरआरबी के लिए अप्लाई कर सकता है, ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ टू बी सबमिटेड। तो ऐसा नहीं है, बिलोंग किसी से भी करता हो, किसी भी मतलब आप रीज़न से हैं, किसी दूसरे रीज़न के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन केवल एक ही रीज़न के लिए आप एलिजिबल होंगे। मतलब डिफरेंट आप, ऐसा नहीं है कि आप सभी के लिए जो है एक साथ फॉर्म फिलअप कर सकते हो। सो आपके साथ जो इम्पॉर्टेंट डिटेल्स थी वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग वो हमने शेयर की है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर दीजिएगा।